गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कहा है कि एहतजाज की धमकियों से इमरान खान खौफजदा होने वाले लीडर नहीं हैं, वो वजीर आजम हैं और 2023 तक वजीर आजम रहेंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट जहांजेब खिच्ची ने मुलाकात की। इस मौके पर हालिया सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया और अपोजिशन की हिकमत अमली पर गुफ्तगू हुई। गवर्नर पंजाब का कहना था कि ऑल अपोजिशन माइनस हो चुकी है, अब इनका कोई मुस्तकबिल नहीं, मुल्क में करप्शन का दौर वापस आने का सवाल ही पैदा नहीं होता, पहली बार मुल्क में शफाफियत और मेरिट के मुताबिक फैसले हो रहे हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कहा कि सियासी मुखालिफिन सब्र के साथ 2023 के इंतखाबात का इंतजार करें, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे, तहरीक इंसाफ अवामी उमंगों के मुताबिक काम कर रही है। अपने हालिया बयान में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का मजीद कहना था कि बजट पास न होने देने का दावा करने वाली अपोजिशन कहाँ है, बजट मंजूरी पर वजीर आजम और टीम को मुबारकबाद देता हूँ। वजीर आजम इमरान मुल्क को आगे और अपोजिशन पीछे ले जाना चाहती है, अपोजिशन का एजेंडा एहतसाब रुकवाने के सिवा कुछ नहीं, मगर ये कभी नहीं होगा।